हरियाणा में 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी बूथों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अब अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रोहतक से हमारे संवाददाता ने बूथ पर जाकर मौके का जायजा लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए जो मतदान 21 अक्टूबर को होना है, उसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज जो सभी पोलिंग पार्टियों को जो बूथ केंद्र है वहां पर भेज दिया जाएगा। अगर रोहतक की बात करें तो यहां पर 242 बूथ केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर पूरे जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है पोलिंग पार्टी की, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनको जो रिटर्निंग अधिकारी ऑफिसर है उनको पूरा ईवीएम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पूरी जो कर्मचारी हैं वो जहां ईवीएम वहां पर उनको दी जाएगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां से वो ईवीएम अपनी कलेक्ट करके जो बूथ केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पहुंचेंगे। साथ में अगर सुरक्षा की बात करें तो जो प्रशासन ने काफ़ी यहां पर अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान वहाँ पर तैनात रहेंगे। जो अति संवेदनशील है वहाँ पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। खबरें अभी तक के लिए कैमरामैन अमित के साथ सुरेंद्र सिंह।